एक बार की बात है, एक गांव में एक जंगल था। उस जंगल में एक अनोखी कहानी घटित होने वाली थी। एक छोटी सी बच्ची नीलू अपने परिवार के साथ एक पिकनिक पर जा रही थी, जिसमें कि वो मम्मी पापा भाई थे उसके। वो बहुत ही उत्सुक थी क्योंकि उसने कभी भी जंगल की यात्रा नहीं की थी। जब वे जंगल में पहुंची, नीलू का मन में बड़ा सवाल उठा कि जंगल में क्या छिपा है। वो अपने पापा से पूछने लगी। उसके पिता ने हंसते हुए कहा, यह जंगल बहुत रहस्यमय है बेटा, इसमें अनेक रहस्य जो हर किसी को समझना बहुत मुश्किल होता है। नीलू बहुत उत्साहित हो गई। वे अपने भाई बहनों के साथ जंगल के अंदर घुसी। जंगल की गहराई में वो एक पुरानी और डरावनी गुफा देखते हैं। नीलू के दिल में एक अजीब सी चाहत होती है कि वह उस गुफा के अंदर जा के देखे। क्या हम गुफा के अंदर जा सकते हैं? नीलू ने पूछा। पापा ने उसे डराते हुए कहा, नहीं बेटा, वह गुफा बहुत खतरनाक है, हमें उसे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। नीलू निराश हो गई और उसकी खोज अभी ख़त्म नहीं हुई थी। वे आगे बढ़ते हुए एक और गुफा पाती है जिसमें एक रहस्यमय द्वार होता है। नीलू ने देखा कि द्वार के पास एक छोटा सा तिलिस्मी चाबी लटका हुआ है। वे उसे उठाती है और द्वार को खोलती है। गुफा के अंदर वे एक चमकती मानक मंदिर की खोज में चले जाते हैं। जब वे मंदिर के अंदर पहुंचते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं। मंदिर में एक जादुई अदार खड़ा होता है जिसमें एक चमकती हुई पत्थर रखा होता है और वह पत्थर किसी अनजानी शक्ति का प्रतीक होता है। नीला और उसके परिवार हैरानी से देखते हैं और उनका ध्यान पत्थर पर चला जाता है। उसी दौरान एक चमकती हुई आवाज़ सुनाई देती है। वे समझते हैं कि कोई आ रहा है। फिर उन्होंने देखा कि एक राक्षस वहां उनका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया है। नीलू और उसके परिवार चमकते हुए पत्थर को लेकर भागते हैं और अपने घर की ओर लौटते हैं। वे अपने अनुभवों को अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं और वहाँ के रहस्य के बारे में बात करते हैं। नीलू का उत्साह और उसकी कर्मठता उसे उस जंगल के अनजाने रहस्य को सुलझाने के लिए प्रेरित करती है और वह जानते हैं कि वह कभी भी हार नहीं मानेगी, चाहे राक्षस क्यों ना हो।